ये देखिए इसका बिल्कुल परफेक्ट मखमली टेक्सचर, कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे आप कितना भी तोड़ लें, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल क्रीमी ऐसा फील होगा ना कि बिल्कुल लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ ठंड में खाई जाने वाली बहुत ही फेमस और बहुत ही एनर्जी से भरपूर लड्डू, गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी कि बस आप मुंह में डालेंगे और ये बिल्कुल बिखर जाएगी मुंह में, और ये इतनी फ़ायदेमंद होती है कि बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बिल्कुल इसे ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ठंड में तो बिल्कुल ज़रूर खाना चाहिए हमें। आइए देखते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से लड्डू, एनर्जी से भरपूर लड्डू कैसे बनेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गोंद, जिसे हम डिग्बी कहते हैं, और ये इंग्लिश में एलिजिबल गम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत आसानी से किराने की दुकान में मिल जाती है और इसे ठंड में हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब ऐसे तो हम खा नहीं सकते हैं तो लड्डू के रूप में खाएंगे। अब इसके साथ ही मैंने लिया है आटा, जो नॉर्मल घर का आटा होता है वो, डेसिकेटेड कोकोनट, घी, मैं यहाँ पे घर के बने हुए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बाजार वाले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है पोस्ता दाना, या फिर जैसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, ये भी बहुत गर्म होती है, ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए ठंड में। इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स से मैंने लिए हैं बादाम, काजू, फॉक्सनट या फिर मखाने की बीज, पिस्ता और किशमिश। अब पहले हमें क्या करना है, पहले एक पैन ले लेंगे या कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लें और उसमें घी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 चम्मच घी डाला है। घी जब अच्छी तरीके से पिघल जाए फिर हम इसमें धीरे धीरे करके हमारे गोंद को फ्राई करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें गोंद को भुनना हो, घी हमारी बिल्कुल मीडियम गर्म होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम घी में या तेल में अगर हम फटाफट गोंद डाल देंगे ना, तो ये पफ तो तुरंत हो जाएगी, फूल तो तुरंत जाएगी, पर अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम के बीच में इसे हमें भुनना है। अब आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से तेल में डालकर छानकर भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि धीरे धीरे हल्का सा कलर चेंज करेगी, बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम अगर सही रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये पफ भी होगी और अंदर तक फूल कर बनकर तैयार भी हो जाएगी। अब ये देखिए ये फूल चुकी है, तो अब इस टाइम मैं इसे तेल से निकाल ले रही हूँ और इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। ध्यान रखेंगे दूसरी बात कि कभी भी बहुत सारे गोंद एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि वो नीचे जो तेल के ये जल्दी आएगी वो तुरंत हो जाएगी और बाद वाले ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे गोंद फ्राई कर लिए और उसके बाद उसी बचे हुए घी में मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ काजू और बादाम, क्योंकि काजू और बादाम लगभग एक टाइम ही लेते हैं फ्राई होने में, इसलिए मैं एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसे भी हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, या फिर यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब हल्की सी कोटिंग आने लगे इसके ऊपर तो इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कोटिंग आने लगी है और बहुत अच्छी सी खुशबू किचन में आ जाती है, तब हम इसे निकाल लेंगे। अब उसके बाद पिस्ता लिया है मैंने, और पिस्ता और किशमिश इन दोनों को मैं साथ में फ्राई कर लूँगी, तब तक जब तक कि किशमिश थोड़ी सी पफ होने लगे। बहुत जल्दी किशमिश पफ हो जाती है, और ध्यान रखेंगे कि जले भी नहीं, और निकाल लेंगे। अब ये भी भुन गई, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब उसी बचे हुए तेल में मैं यहाँ पे फॉक्सनट फ्राई कर रही हूँ, या फिर मखाने की बीज, इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भुन लेना है, जब तक कि थोड़ा सा इसमें क्रंचनेस आ जाए। मखाने के बीज को थोड़ी देर के लिए हम भुनते हैं तो इसमें बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है। बहुत ज़्यादा तेल या घी किसी भी चीज़ की इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब कढ़ाई मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है, इसमें थोड़ी सी भी घी नहीं होनी चाहिए, तब हम भुनेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, या फिर अगर आपके पास ये ना हो तो घर में जो सूखी नारियल होती है ना उसे भी आप ग्राइंड करके या फिर ग्रेट करके ले सकते हैं। अब इसे भी बहुत हल्के फ्लेम पर भुनना है हमें, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाती है और कलर बहुत जल्दी चेंज करने लगती है, तो हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्के सुनहरे आँच पर इसे भुनना है। ये देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर इसमें आने लगा है ना, तो बस अब हम इस समय इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट। अब इसी बर्तन में हमें क्या फ्राई करना है, पॉपी सीड्स।
या फिर पोस्ते के दाने। इसे भी भुनना बहुत ज़रूरी है। इसे थोड़ा सा भून लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और ये बहुत गर्माहट लाती है शरीर में, बहुत गर्म होती है, तो ठंड में इसे भी ज़रूर खाना चाहिए। तो इसे भी थोड़ा सा भून कर निकाल लिया मैंने। अब वापस से उसी पैन में मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे इस घी में अब हम फ्राई करेंगे आटा। तो यहाँ मैंने करीब 1 कटोरी आटा का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर आटे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर आटे से बना के ट्राई करिएगा। अब इसे भी हमें भून लेना है। अब आटे को तब तक भूनना है जब तक ये दरदरी सूजी की तरह खिली खिली ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सी भूनने लगी है और ये कढ़ाई को छोड़ने लगी है और इसकी खुशबू पूरे किचन में बहुत अच्छी सी फैल जाती है। जब इस तरीके की हल्के सुनहरे कलर की आटे में कलर आ जाए तब हम आटे को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से लड्डू बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। गोंद, सारे ड्राई फ्रूट्स, आटा, डेसिकेटेड नारियल, सारी चीज़ तैयार है। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि गोंद को हमें तोड़ना है। तो गोंद को हम हाथ से तो तोड़ नहीं सकते, बहुत समय लग जाएगा, तो इस तरह की कटोरी से या फिर वो जो मैशर होती है ना उससे आप तोड़ सकते हैं। इस तरह से कटोरे से थोड़ा थोड़ा दबा कर हम इसे तोड़ेंगे। इसे हमें पूरी तरीके से क्रश नहीं करना है, मतलब पूरी तरीके से पाउडर नहीं करना है, हल्का हल्का बस तोड़ना है। जिसे कि अगर हम इसी तरीके से लड्डू में डाल देंगे ना तो ये मुंह में आने से बहुत मज़ेदार नहीं लगती है। तो थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने तैयार किए हैं भूनकर उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैं काजू और बादाम को भूनकर तैयार कर ले रही हूँ और फिर मखाने को, फिर पिस्ता को, इस तरह से बैच वाइज मैं पीस लूँगी और उसी गोंद वाले प्लेट में मैं सारी चीज़ों को निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर ले रही हूँ। ये देखें, पहला बैच हमारा पीस चुका है। अब इसे हम बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं पीस रहे हैं, हमें पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा जो बाइट्स आते हैं ना मुंह में, बिल्कुल वैसा हमें इसे पीसना है। अब ये मखाने भी पीस चुके हैं, अब बिल्कुल आखिरी बैच पिस्ते को भी हम पीस लेंगे। किशमिश हमने खड़े ही इसी तरीके से लड्डू में डालने हैं तो मैं उसे नहीं पीस रही हूँ। मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, काजू और मखाने को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने किशमिश भी इसके ऊपर डाल लिए हैं। किशमिश भी हमने फ्राई करके रखे थे, वही वाले किशमिश हैं। अब इन सबको एक बड़े से बर्तन में हम निकालेंगे क्योंकि प्लेट में तो हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, प्लेट में मिक्स करने में दिक्कत आएगी। तो सारे मिक्सचर को मैं इस बर्तन में प्लेस कर दे रही हूँ, ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ बादाम, कुछ काजू खड़े खड़े हैं, यानी कि मैंने पूरी तरीके से इसे पाउडर नहीं बनाया है। अब इसे मैंने डाल लिया है भुना हुआ आटा, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और साथ ही पॉपी सीड्स। इन सबको भी हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आए, कहीं पर सिर्फ आटा आए, ये फील ना नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अब बस एक आखिरी काम हमारा बचा है। तो पहले इसमें बीच में मैंने एक कुआं जैसा बना लिया है क्योंकि हमें अब एक चाशनी बनानी है। तो अब वापस से मैंने पैन में 1 चम्मच घी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 300 ग्राम गुड़। आप चाहें तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं, पर क्योंकि हम ठंड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं और ठंड में गरम गरम चीज़ अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैंने गुड़ डाला है। अब इसमें मैंने डाल लिए हैं करीब 3 से 4 चम्मच के आसपास पानी। अब हमें यहाँ पर इसे चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पिघलाना है। जब गुड़ पिघल जाए उतनी देर तक हमें इसे पकाना है। गुड़ बहुत गर्म करती है और ठंड में हमें गुड़ ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, चाहे तो लड्डू के रूप में और चाहे तो ऐसे ही। अब इसे भी देखिए, गुड़ भी पिघल चुकी है, हमें थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरीके से गैस पर रहने देना है। जब पूरी तरीके से गुड़ पिघल जाए फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो हमने कुआं बना कर रखा था ना उसमें ये गुड़ डाल देंगे। देखिए, मैंने कोई चाशनी नहीं बनाई, मैंने कोई तार नहीं बनाया है, बस इसे पिघला लिया है। अब इसे हमें मिक्स कर देना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, गोंद की लड्डू बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को ज़रूर खाने चाहिए। अब गोंद इस तरह से तो हम खा नहीं सकते, या तो मतलब बड़े भी नहीं खा पाएंगे और ना ही तो कोई छोटे बच्चे खाएंगे। और इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट्स के साथ हम गोंद को मिक्स करके अच्छी तरीके से लड्डू के रूप में बना लेंगे तो सभी इसे खुश होकर ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो ठंड में हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए गोंद के लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और
बहुत अच्छी तरीके से बनकर भी तैयार होते हैं। बस अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए अब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अभी ये थोड़े गर्म हैं तो गर्मा गर्म तो हम इसे नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था जिससे कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए और हम इसे आसानी से हाथों से बना सके। देखिए अभी भी ये गर्म है तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे, और जब हल्की सी ठंडी हो जाएगी फिर हम लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो करीब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए अब हम इसे लड्डू के रूप में बनाएंगे। तो बड़े या छोटे जैसा भी आपका मन हो आप लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं और देखिए कितनी आसानी से बंध जा रही है। लड्डू बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, जैसा भी आपका मन हो या जितना बड़ा या जितना छोटा आप बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें अलग से कोई घी वगैरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऑलरेडी इतना गुड़ घी गोंद सब है ना कि ये आसानी से बंध जाती है। तो इस तरीके से करीब इतने मिक्सचर से कम 25 से 30 लड्डू आराम से बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मेरे लड्डू तो बनकर तैयार हो रहे हैं, आप भी बनाइए और मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगे ये गोंद के लड्डू और आपने इसे कब बनाया है या कब बना रहे हैं। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारी गोंद के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं और इसका टेक्सचर इतने सॉफ्ट हैं ये आसानी से इसे तोड़ सकते हैं आप। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेज़रमेंट सही हो तो गोंद के लड्डू बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। बस छूने से टूट रहे हैं ना, तो सोचिए कि मुँह में जाने से तो ये बस घुल ही जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये गोंद के लड्डू बहुत पसंद आए होंगे और आप भी इसे इस ठंड में अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये गोंद के लड्डू पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें जिससे कि मेरे नए नए रेसिपी के लिंक नए नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरे यानी कि अर्चना के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।